वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की इस क्लास में हम आपके मंथ्स ऑफ द ईयर, मास, मास क्या होता है, मंथ मतलब महीने, ईयर मतलब होता है साल, आपके पूरे साल में कितने महीने होते हैं आज हम उसे लर्न करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिन, आपके एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं हमने ये रीड किया था। और अब हम रीड करेंगे कि आपके पूरे एक साल में कितने महीने होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, कितने होते हैं, 12 महीने, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। लेट्स लर्न देयर नेम्स, चलो उनके नाम को याद करते हैं। लर्न मतलब याद करना, नेम्स मतलब नाम। एक वर्ष में 12 मास, मास मतलब महीने होते हैं। आओ इनके नाम सीखें, हमें इनके नाम को सीखना है। आपने ये पूरे के पूरे मंथ्स अपनी फेयर नोटबुक पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और इन्हें लर्न भी करना है। फर्स्ट है January, जनवरी मतलब क्या है, जनवरी। February, फरवरी मतलब फरवरी। March, मार्च मतलब मार्च। April, अप्रैल मतलब अप्रैल। May, मई मतलब मई। June, जून जून। July, जुलाई मतलब जुलाई। August, अगस्त अगस्त। आपने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अच्छे से लर्न करना है। September, सेप्टेम्बर मतलब सितंबर। October, अक्टूबर मतलब अक्टूबर। November, नवंबर। December, दिसंबर मतलब दिसंबर। आपने ये पूरे के पूरे अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक पर भी लिखने हैं। और आपको ये भी बताना है कि कौन से महीने में आपका बर्थडे आता है। पहले आपने वीडियो में ये सारे नाम अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में रीड करने हैं और उसके बाद आपने एंड में बताना है कि मेरा बर्थडे कौन से मंथ में आता है। जैसे मैंने अभी ये पूरा रीड कर लिया, मैं एंड में बताऊँगी कि मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है, तो आपने भी बताना है कि आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है, मतलब कौन से महीने में आता है। और यहाँ पर आपने ये स्पेलिंग्स भी कंप्लीट करनी है, ये स्पेलिंग्स भी अच्छे से लिखनी है और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और ये आपने पूरा अपनी फेयर नोटबुक पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखकर मुझे फ़ोटो भेजनी है और इन्हें रीड करते हुए वीडियो भी बनानी है और ये भी बताना है कि आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।